और अब बात राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की, जिसका आज दिल्ली में अवार्ड दिया गया और इस बार भी बॉलीवुड इन पुरस्कारों में छाया रहा, लेकिन इस बार बॉलीवुड को मराठी फिल्म और बांग्ला फिल्मों ने कड़ी टक्कर भी दी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने 56वें राष्ट्रीय पुरस्कार के विजेताओं को आज सम्मानित किया। इस मौके पर बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। मशहूर सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को 2008 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रियंका चोपड़ा को मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसी फिल्म के लिए कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। अर्जुन रामपाल को फिल्म रॉक ऑन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। प्रत्येक भाषा में गग्रामम निर्माता श्री। मराठी फिल्मों में उपेंद्र लिमे को जोगवा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। बांग्ला फिल्मकार अनिरुद्ध राय चौधरी की फिल्म अंतहीन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार ओए लकी लकी ओए के लिए निर्देशक दिवाकर बैनर्जी को दिया गया। फिल्में समाज का आईना होती हैं। फिल्मों और समाज को एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है और शायद यही वजह है कि अंतहीन, जोगवा और फैशन जैसी फिल्मों की इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बाहर रही। ये वो फिल्में हैं जिनको आर्ट फिल्में भी कहा जा सकता है और कमर्शियल फिल्में भी कहा जा सकता है, और ये तमाम फिल्में समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने की वकालत करती हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ सुमित अवस्थी, दिल्ली आज तक।